Hello everyone, regarding my last video हमने सीखा अप्रोच कैसे करने का है, फिर ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट कैसे पोस्ट करने का है, और आज हम सीखेंगे हाउ टू पोस्ट सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर टीबी अकाउंट्स करते वक्त उसको नॉमिनल कोड कैसे देते हैं और उसको अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करते वक्त उसको कैसे पोस्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टीबी हम देखेंगे कि थ्री टाइप्स की हम निकाल सकते हैं। पहले की मैनुअल ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो क्लाइंट्स हमको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स देता है वो हम एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे, यानी बैंक देंगे तो बैंक की रिसिप्ट और पेमेंट उसका एनालिसिस करेंगे, क्या एक्सपेंस क्या नॉमिनल कोड में जाता है, उसका फाइनलाइजेशन अकाउंट्स का अकाउंट्स हेड नॉमिनल कोड वगैरह हम देंगे, फिर हम उसकी कैश बुक की प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक के हिसाब से जो नॉमिनल कोड आते हैं वो नॉमिनल कोड हम देंगे, फिर VAT समरी हम प्रिपेयर करेंगे उसका नॉमिनल कोड देंगे, उसके बाद हम पेरोल समरी प्रिपेयर करेंगे, पेरोल समरी की जनरल और नॉमिनल कोड पोस्ट करेंगे, उसके बाद सेल्स और परचेज समरी हम समराइज करेंगे और उसका नॉमिनल कोड देंगे, उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस जो है वो पोस्ट करेंगे, और उसके बाद हम अक्रूअल्स प्रीपेमेंट डेप्रिसिएशन टैक्स डिफर्ड टैक्स वगैरह पोस्ट करके हम ड्राफ्ट अकाउंट्स निकाल सकते हैं। यानी मैनुअल जो फाइल है उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस जो फाइनल अकाउंट्स का है वो प्लस जो फिजिकल आपको जो पेपर वर्क दिया है उसकी समरी करके नॉमिनल कोड देके जनरल पोस्ट करके आपको ड्राफ्ट अकाउंट्स निकालना है। दूसरा, अगर बुक कीपिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर है तो आपको उसकी टू टाइप्स की ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हैं। एक, जो ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जिस फाइल में, तो उस केस में हम ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में TTB का प्रिंटआउट सेव करेंगे, यानी ट्रांजेक्शनल ट्रायल बैलेंस जो प्रिंटआउट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें से निकालेंगे, और यानी TTB यानी मूवमेंट फॉर द ईयर, जो करंट ईयर की डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से जो बैलेंस आता है जो मूवमेंट आता है वो मूवमेंट को हम फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से नॉमिनल कोड देंगे, और वो हम सॉफ्टवेयर में वो TTB पोस्ट करेंगे। बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी अगर आप जेरो में निकालोगे तो जेरो में आपको मूवमेंट की TTB निकल सकती है, क्विक बुक में आप मूवमेंट की TTB नहीं निकाल सकते हो, इसमें आप लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस और करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस दोनों में से डिफरेंस निकाल के मूवमेंट निकाल सकते हो। वैसे ही सेज में PTB निकाल सकते हो, सेज वन में, कैश फ्लो में, KPM में, RBT में भी आप निकाल सकते हो, वो सब निकालने के बाद आप डिफरेंट फाइनलाइजेशन सॉफ्टवेयर में वो पोस्ट कर सकते हो, यानी आयरिस में आप फिजिकल या CSV से डाल सकते हो, वैसे ही CCS में भी आप फिजिकल या CSV से डाल सकते हो, टैक्सकेल KPM VT डिजिटा वो सब कीपिंग फाइनलाइजेशन सॉफ्टवेयर में आप पोस्ट कर सकते हो। दूसरा है पीरियोडिक ट्रायल बैलेंस PTB, PTB यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट और करंट ईयर के मूवमेंट वो सब मिला के जो टोटल होता है उसको हम PTB बोलते हैं। PTB अप्रोच कब ले सकते हैं, यानी कम ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट है और या ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट टोटली मैच है, उस केस में हम PTB अप्रोच ले सकते हैं। PTB अप्रोच फॉर बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर में प्लीज रिफर टैब एंड सेव्ड PTB और TTB रिपोर्ट्स, यानी बुक कीपिंग में से आप PTB या TTB जो भी आप अप्रोच लेते हैं वो रिपोर्ट्स आप सेव करते हो कर सकते हो। फॉर सेविंग PTB रिपोर्ट्स थ्रू कैश फ्लो प्लीज टिक बॉक्स सिंस स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस टू द ईयर एंड विच यू आर डूइंग स्टार्टेड टू टिल ईयर एंड डेट, यानी अगर आप कैश फ्लो में प्रिंट आउट PTB का निकालना चाहते हो तो जिस
स्टार्टिंग बिजनेस से वहां से टिल एंड तक का आप पीरियोडिक ट्रायल बैलेंस टिक मार्क करके निकाल सकते हो। अगर टीटीबी निकालना हो तो फॉर द करंट ईयर वहां टिक मार्क कर निकाल के आप निकाल सकते हो। इन कैश फ्लो यू नीड टू सेव सेपरेट बैलेंस फ्रॉम कैश बुक एंड बैंक बैलेंस, यानी अगर कैश फ्लो है तो आप सेपरेट बैलेंस कैश बुक और बैंक बैलेंस का आप निकाल सकते हो। सॉफ्टवेयर टीबी, तो सॉफ्टवेयर टीबी में व्हाइल डूइंग ईयर एंड अकाउंट्स हाउ टू पोस्ट पीटीबी एंड टीटीबी इन ईटीबी। तो फर्स्ट डिसाइड अप्रोच एज पर माई सेकंड वीडियो। सेकंड, टू चेक ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट और पोस्ट इन बुक कीपर टीबी एज पर माई थर्ड वीडियो, यानी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट एज पर बुक कीपिंग टीबी मेरा थर्ड वीडियो के हिसाब से आप पोस्ट कर सकते हो। फोर्थ, मैनुअल फाइल यू कैन यूज टीटीबी अप्रोच। अगर आप मैनुअल फाइल यूज करते हो तो अकाउंट्स करते हो तो आपको टीटीबी अप्रोच यूज करना है। और फॉर ऑलरेडी प्रोसेस इन बुक कीपिंग फाइल्स यू कैन यूज फॉलोइंग अप्रोच, यानी जो बुक कीपिंग ऑलरेडी किया हुआ है इसमें आप फॉलोइंग अप्रोच यूज कर सकते हो। वन, इफ ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट नॉट मैच प्रॉपरली देन यूज टीटीबी अप्रोच, यानी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं तो आप टीटीबी अप्रोच यूज कर सकते हो। इफ ओपनिंग बैलेंस मैच देन पीटीबी अप्रोच, यानी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अगर मैच है तो आप पीटीबी अप्रोच। दूसरा, व्हाइल पोस्टिंग टीबी इन ईटीबी यानी एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस यूज करेक्ट कोड एज पर लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स मार्जिनल ट्रायल बैलेंस और एज पर लास्ट ईयर नॉमिनल लेजर और पर पोस्टिंग लिस्ट फॉर दैट रिपोर्ट सेव्ड फ्रॉम फाइनल अकाउंट सॉफ्टवेयर, यानी आपका आपने लास्ट ईयर जो फाइनल अकाउंट्स किया है उस फाइनल अकाउंट्स में से आपको नॉमिनल लेजर निकालना है, पोस्टिंग लेजर निकालना है और एमटीबी निकालना है। और वो एनालिसिस करने के बाद पोस्टिंग लिस्ट में जो कोड दिया है वही कोड करंट ईयर के सॉफ्टवेयर टीबी के ट्रायल बैलेंस भी आपको देना है। दूसरा, जो कोड नया है जो आपको पता नहीं है वो फाइनल अकाउंट्स के चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप देख सकते हो या अपने सीनियर्स से कंसर्न करने के बाद उसको फाइनल अकाउंट्स का नॉमिनल कोड देख सकते हो। दूसरा, आप टीबी का नॉमिनल कोड देते हो उसी वक्त आपको लास्ट ईयर का वर्किंग पेपर्स दैट रिलेटेड टू करंट ईयर्स वर्किंग्स लाइक नॉट, नेक्स्ट ईयर फोल्डर, नेक्स्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट सब चेक करने हैं, यानी लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर में करंट ईयर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो सब भी आपको चेक करने हैं, उसके बाद ही आपको ट्रायल बैलेंस के नॉमिनल कोड देने हैं। वंस ट्रायल बैलेंस कोडिंग डन एज पर फाइनल अकाउंट्स देन रिफर नॉमिनल लेजर एंड प्रिपेयर एक्सेल शीट नेम रीएलोकेशन एंड स्टार्ट टू प्रिपेयरिंग जर्नल एज पर रीएलोकेशन शीट, यानि आपने सॉफ्टवेयर टीबी का कोड दे दिया उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉमिनल लेजर एनालिसिस करेंगे और नॉमिनल लेजर में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये रीएलोकेशन है तो आपको रीएलोकेशन की शीट बनानी है और उसकी जनरल पोस्ट करनी है ड्राफ्ट अकाउंट बनाने के लिए। और जनरल बनाने के वक्त जो रीएलोकेशन है उसमें से आपको प्रॉपर लिंक जनरल जो भी जनरल है उसमें आपको देनी है। दूसरा, प्लीज रिफर माई सॉफ्टवेयर टीबी एंड डबल चेक येलो हाइलाइटेड नॉमिनल कोड एस यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम रीएलोकेशन ऑन येलो हाइलाइटेड नॉमिनल कोड, यानी अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ वो आप मेरी सॉफ्टवेयर टीबी डबल चेक कीजिए, उसमें जो येलो हाइलाइटेड मैंने जो किया हुआ है उसमें आपको मैक्सिमम रीएलोकेशन मिलेगा और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रीएलोकेशन वो येलो हाइलाइटेड में से क्या क्या रीएलोकेशन देखना है और उसकी जनरल क्या पोस्ट करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको मेरी सॉफ्टवेयर टीबी जो मैंने बनाई हुई है वो आपको दिखाने
ये है मेरी सॉफ्टवेयर टीबी यानी पीरियोडिक ट्रायल बैलेंस पीटीबी। हम पोस्ट करेंगे तो हमने पहले लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स कोड, उसके बाद लिखा है बुक कीपिंग अकाउंट कोड, डिस्क्रिप्शन एज पर सॉफ्टवेयर टीबी, डेबिट क्रेडिट एंड अमाउंट। यानी सॉफ्टवेयर टीबी में से जो ट्रायल बैलेंस हमने निकाली है वो आप पहले एक्सेल में आप पोस्टिंग कीजिए, उसके बाद नॉमिनल लेजर के हिसाब या पोस्टिंग लिस्ट के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स का कोड दीजिए। और ये जो येलो मैंने किया हुआ है फर्नीचर पिक्चर्स, पिक्चर डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट, प्री पेमेंट, अक्रूड इनकम, इंटर कंपनी बैलेंस, उसमें अगर आप नॉमिनल लेजर एनालिसिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको उसका री एलोकेशन आपको इसमें मिलेगा। ये दूसरा पेज है, उसमें भी मैंने येलो हाइलाइटेड किया है। ये सब सॉफ्टवेयर टीबी में का आइटम्स है, उसमें से आपको री एलोकेशन की आइटम्स मिलेगी। और ये है पीरियोडिक ट्रायल बैलेंस पीटीबी। पीटीबी में आप मूवमेंट फॉर द ईयर निकालेंगे, उसमें भी सेम अप्रोच है, सिर्फ येलो हाइलाइटर्स वाली आइटम्स है जो आपको एनालिसिस करनी है। उसमें नॉमिनल लेजर में आपको मे बी बुक कीपर ने जो कुछ गलत पोस्ट किया है या तो आप उसको एलोकेशन उसका कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो जो हमने जो येलो हाइलाइटेड किया है उसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका करेक्ट री एलोकेशन करके उसको जनरल लेजर में से री एलोकेशन करेंगे, उसकी लेजर पोस्ट करेंगे, लेजर में डालेंगे जनरल, उसी हिसाब से पोस्ट करके उसकी लिंक देंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा री एलोकेशन वो देखना मत भूलिए। और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।